हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रसोई 2.0 में। आज मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में खाए जाने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी, पैनकेक। ब्रेकफास्ट में बनता है, आप शाम को बनाएं, आप भी जब भी खाने का मन करे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनकर तैयार होता है। इसके लिए मैंने लिया है ये सामग्री, देखिए 2 अंडे लिए हैं, ये दूध लिया है, ठंडा दूध है, 2 केले लिए हैं, ये ठंडा दूध है, रूम टेम्परेचर का दूध, और ये लिया है 1.5 कप मैदा, आप इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं, ये तेल लिया है, और ये लिया है मैंने सोडा, बेकिंग सोडा, और ये लिया है चीनी, और ये लिया है मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस, आप इसकी जगह आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने केले लिए हैं, मिक्सी में इसे ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप केले डालें, आप इसे नाश्ते में बनाएं, शाम को बनाएं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और इजी रेसिपी है, बहुत ही लाइट वेट, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, केले के साथ डाली है मैंने इसमें चीनी, और ये डाल रही हूँ मैं दूध, इन सबको एक साथ हमें मिला लेना है। वनीला एसेंस भी साथ ही डाल रही हूँ, और साथ ही डाल रही हूँ मैं अंडे, आप चाहें तो इसके योक निकाल सकते हैं, मैंने योक के साथ डाला है, आप वाइट भी डाल सकते हैं खाली इसका, लेकिन योक के साथ डालेंगे आप तो बहुत ही अच्छा फ्लफी बनेगा, आप योक डालकर बनाएं। अब इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है घुमाते हुए, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए, चीनी नहीं दिखनी चाहिए। अब इसका बैटर बनाते हैं हम, इसके लिए मैंने लिया है ये मैदा, मैदे की जगह आप सूजी ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, मैंने मैदा लिया है, 1.5 कप मैदा लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं लगभग 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, इसको अच्छे से मिला लें, हल्का सा आप नमक चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नमक नहीं डाला है, मीठे में नमक थोड़ा फ्लेवर इन्हेंस करता है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अभी जो हमने बैटर बनाया था वो इसमें डाल लेते हैं, केले का और अंडे का, धीरे धीरे डालकर आप एक लम्स फ्री बैटर तैयार करें। ये इस तरह से धीरे धीरे मिलाते हुए आप इसे एक घोल बनाना है, जिस तरह से हम डोसे का बैटर बनाते हैं, डोसा बैटर बनाते हैं, उसी तरह से एक पतला सा बैटर बनाना है। ये देखिए, अगर लम्स नहीं निकल रहे हैं तो आप इसे मिक्सी में भी घुमा सकते हैं। ये देखिए, एक स्मूथ बैटर बना लेना है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी का चाहिए हमें। ये देखिए इस तरह से आप बनाकर तैयार कर लें, 2 मिनट रेस्ट करनी है इसे, फिर हम बनाते हैं इसके पैनकेक। ये मैंने नॉनस्टिक फ्राई पैन लिया है, उसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है, ज़्यादा तेल नहीं लगता है, हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है, और 1 चम्मच की सहायता से आप इसे इस तरह से फैला लें। आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं और खुले भी बना सकते हैं, 2 मिनट के बाद आप इसे पलट लें। ये देखिए इस तरह से गोल्डन फ्राई हो गया है, दूसरी तरफ से भी इस तरह से सेक लें, फ्राई कर लें, इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता है और खाने में भी बहुत ही हेल्दी है, आप इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करें, शाम के समय स्नैक खाना है तो आप इसे बना लें, पैनकेक बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए सारे पैनकेक बनकर तैयार हो चुके हैं, अब आप इसे मैपल सिरप, हनी, चॉकलेट सिरप, जिसके साथ आप सर्व करें, कोई भी डिप ले सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर हनी के साथ सर्व किया है। ये देखिए कटने कितने इजी कट रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, ताकि आपको मेरा रेसिपी का कोई भी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.